हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ सिंगल स्लिट। एंड इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी लर्न द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डार्क फ्रिंज। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट। बच्चों, डायग्राम सेम है, डायग्राम मैंने इरेज नहीं किया इसलिए ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाए। बच्चों, यहाँ पर मैंने एक सिंगल सोर्स कंसीडर किया है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। दिस इज पासिंग लाइट रेज इज पासिंग थ्रू दिस लेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सो दे विल फॉर्म प्लेन वेव फ्रंट एंड दोस प्लेन वेव फ्रंट आर गोइंग टू इंसिडेंट ऑन द स्लिट ए बी। एंड आफ्टर पासिंग थ्रू दिस स्लिट ए बी ऑल द लाइट रे विल बी डिफ्रैक्टेड एट डिफरेंट एंगल्स। सो वी आर कंसिडरिंग द डिफ्रैक्शन एंगल थीटा and again we are keeping one lens L2 in front of the slit, and we can say in between the slit and the screen, and thereafter we are forming the interference pattern, or we are forming the diffraction pattern on the screen at point P through this lens. So we are sending this light ray at an angle of theta with respect to horizontal, and they are meeting at this point P. So we calculated the path difference at point P, and that value we got path difference delta x, we got बच्चों that is a sine theta, this is what we got the path difference। बच्चों, हमें बात करना है condition for formation of bright fringe और secondary maxima। so already central maxima की तो बात हो चुकी है, that will be formed at point O। so यहां पर हम लोग heading बना लेते हैं condition for the formation of condition for the formation of secondary maxima। so what will be the condition बच्चों, let us see that। so let a sine theta is equal to 3 lambda by 2। अगर ऐसा होता है बच्चों, पाथ डिफरेंस अगर 3 lambda by 2 होता है, now we are going to divide this slit AB in 3 equal parts। so slit AB है, this is A, this is B, अब इसको 3 equal part में divide कर दिया। this is 1, this is 1 part, this is second part and this is third part। so A और B से जाने वाला जो wavelet है बच्चों, इसके बीच this is angle theta A है, this is theta angle। so A और B से जो wavelet जा रहा है उसके बीच path difference अगर 3 lambda by 2 है, if this path difference is 3 lambda by 2, then what is the path difference between, अगर हम इसे 3 point में divide कर दे, suppose this is A dash B dash, so one part is A A dash, one part is A A dash, one part is A dash B dash and one part is B dash B। बच्चों, टोटल पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2, सो ए ए डैश के बीच कितना पाथ डिफरेंस हो जाएगा, लैम्डा बाई 2। सॉरी, सो दिस इज लैम्डा बाई 2, दिस पाथ डिफरेंस इज ऑल्सो लैम्डा बाई 2 एंड दिस इज ऑल्सो लैम्डा बाई 2। सो द 3 पाथ डिफरेंसेस आर लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 एंड लैम्डा बाई 2। सो नाउ अगर हम यहां से वेवलेट भेजे बच्चों ए पॉइंट से और ए डैश पॉइंट से, तो उसके बीच पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाई 2। ए डैश और बी डैश से भेजे तो क्या होगा पाथ डिफरेंस, लैम्डा बाई 2। बी डैश और बी से भेजे अगर वेवलेट तो लैम्डा बाई 2। इन बिटवीन ए ए डैश और ए डैश बी डैश अगर वेवलेट भेजे, दैट इज ऑल्सो लैम्डा बाई 2, दिस इज ऑल्सो लैम्डा बाई 2। बच्चों, यह जो वेवलेट है और यह जो वेवलेट है एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, डिसकंस्ट्रक्टिवली एड अप होगा एट पॉइंट पी। सो ये जो पोर्शन है बच्चों, यहां से जो वेवलेट जाएगा पी पॉइंट पर, वो किसी के साथ कैंसिल नहीं होगा। सो वन थर्ड पार्ट ऑफ द स्लिट विल सेंड द वेवलेट्स विच आर गोइंग टू बी एड अप इन फेज। क्यों, क्योंकि यहां पर इसके साथ तो कोई
यहाँ पर माइनस करने वाला नहीं है, ये इसको माइनस कर देगा, ये इसको माइनस कर देगा, इसको माइनस करने वाला कोई नहीं है, वन थर्ड पार्ट जो है वो बच जाएगा, इसका ये कैंसिल कर देगा, अब इसका कैंसिल करने वाला कोई फोर्थ पार्ट तो है नहीं, तो ये जो है रह जाएगा। तो इसलिए बच्चों पी पॉइंट पर वन थर्ड पार्ट ऑफ द स्लिट की वजह से जो वेवलेट आएगा दे विल बी एडेड कंस्ट्रक्टिवली एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमा, बट दैट विल बी कॉल्ड एज सेकेंडरी मैक्सिमा, और उसका जो पीक होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू सेंट्रल मैक्सिमा। ऐसा इसलिए क्यों, क्योंकि केवल वन थर्ड पार्ट ऑफ द स्लिट से ही लाइट रेज इस पॉइंट पर आएगा, बाकी टू थर्ड से डिसकंस्ट्रक्टिवली आएगा और वो रिजल्टिंग जीरो प्रोड्यूस करेगा। सो व्हेन 3 लैम्डा बाय 2 दिस वी आर गोइंग टू डिवाइड इनटू लैम्डा बाय 2 एंड लैम्डा बाय 2, सो दिस इज पाई एंड दिस इज पाई, सो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और ये जो है बच्चों दिस विल रिमेन और यह जो है वहां पर अब अकेला है, इसके बारे में पाई की बात नहीं करेंगे हम लोग, यह जो लैम्डा बाय 2 पार्ट से जाएगा ये सारे एड अप हो जाएंगे वहां पर जाकर के, यस और नो, दे विल बी एड अप और एडेड अप एट पॉइंट पी एंड दे विल फॉर्म सेकेंडरी मैक्सिमा। सो इन द सेम वे अगर 3 लैम्डा की जगह 5 लैम्डा बाय 2 लें, लेट अस कंसीडर इफ ए साइन थीटा इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाय 2 देन वी आर गोइंग टू डिवाइड द स्लिट इन 5 इक्वल पार्ट्स, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट, सो दिस इज लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2, ये दोनों चला जाएगा बच्चों, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, अगेन 1/5 पार्ट रह जाएगा, 1/5 पार्ट से जो है यहां पर जो फॉर्मेशन होगा दैट विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, केवल 1/5 पार्ट से, और 1/5 पार्ट की वजह से जो लाइट इंटेंसिटी होगी बच्चों वो कम होगी, पहले पूरे स्लिट से आ रहा था, अब 1/3 स्लिट से आएगा, सेंट्रल मैक्सिमा पर पूरे स्लिट से आ रहा था, पूरे एबी स्लिट से वेवलेट्स आ रहा था, अब सेकेंडरी मैक्सिमा जो होगा, सेकेंडरी मैक्सिमा में फर्स्ट मैक्सिमा की अगर हम बात करें तो 1/3 पार्ट से आएगा, सेकेंडरी मैक्सिमा में सेकेंड मैक्सिमा की अगर बात करें तो 1/5 से आएगा, अगला 1/7 से आएगा, तो इंटेंसिटी ऑफ जो सेकेंडरी मैक्सिमा है बच्चों वो ग्रेजुअली डिक्रीज होते चला जाएगा। सो इन जनरल इफ यू राइट इन जनरल द पाथ डिफरेंस, इन जनरल द पाथ डिफरेंस टू फॉर्म सेकेंडरी मैक्सिमा इज गिवन बाय, यहां ऊपर लिख रहे हैं बच्चों, इज गिवन बाय ए साइन थीटा एंड डैश लिख रहे हैं बच्चों, क्यों एंड डैश लिखा, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम के लिए बात कर रहे हैं, मिनिमा के लिए हमने ऑलरेडी बात कर लिया है, सो मिनिमा के लिए थीटा एंड तो मैक्सिमम के लिए थीटा एंड डैश, सो ए साइन थीटा एंड डैश इज इक्वल टू 2n+1 इंटू लैम्डा बाय 2 वेर एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। बच्चों n की वैल्यू अगर 1 ले तो 2 + 1 2 × 1 2 + 1 3 लैम्डा बाय 2, 2 की वैल्यू n की वैल्यू 2 ले तो 4 + 1 5 लैम्डा बाय 2, 6 3 ले तो 3 × 2 6 + 1 7 लैम्डा बाय 2 देन एट, सो लाइक वाइज वी कैन गेट, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ n देयर विल बी 3 लैम्डा बाय 2 5 लैम्डा बाय 2 7 लैम्डा बाय 2 ऑड वैल्यूज होगा बच्चों 9 लैम्डा बाय 2 11 लैम्डा बाय 2 सो दिस इज हाउ यू अंडरस्टूड यस और नो। सो दिस इज द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन एंड द एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा विल ग्रेजुअली डिक्रीज। यहां पर एक पॉइंट नोट कर रहे हैं बच्चों, द एम्पलीट्यूड और द इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा ग्रेजुअली
gradually decreases because the intensity of light at point P is given by only one third, one fifth, one seventh, and so on part of the slit for successive secondary maxima बच्चों वी आर गोइंग टू प्लॉट द इंटेंसिटी कर्व वर्सेस डिफ्रैक्शन एंगल सो लेट अस स्टार्ट विद दैट सो अ प्लॉट ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस यहां पर लिख रहे हैं प्लॉट ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस प्लॉट ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस डिफ्रैक्शन एंगल अगर हम इसको ड्रॉ करें बच्चों हाउ इट विल लुक लाइक देख सकते हैं सो डिफ्रैक्शन एंगल दिस इज डिफ्रैक्शन एंगल This is diffraction angle theta, and on y-axis we are plotting intensity. I. This is central point O. So यहां से बच्चों यहां पर maximum होगा intensity, और ये जो width मैंने बनाया symmetrical बनाएंगे, और जब यहां पर decrease होकर के zero होगा, तो there will be first minima. After that it will rise, there will be formation of secondary maxima. अच्छा secondary maxima जो है वो होगा जो बच्चों this is first secondary maxima. So first secondary maxima का जो amplitude होगा वो कम होगा as compared to central maxima. क्यों? क्योंकि this is only due to one third part of the slit. इसको और कम बना सकते हैं this is due to one third. मतलब इसका one third. This is one third. So अगर intensity यहां पर I है बच्चों तो यहां पर one third होगा I by 3 होगा yes or no? Let it be. So this is central maxima. This is secondary maxima. First secondary maxima. And what is the position of this one? बच्चों हमने अभी obtain किया था एक result. A sine theta n dash equal to 2n plus 1 into lambda by 2. So अगर theta n dash less है बच्चों If theta n dash is small, then we can write A sine theta n dash, then we can write sine theta n dash is equal to theta n dash. So A theta n dash is equal to 2n plus 1 into lambda by 2. So we can write theta n dash is equal to 2n plus 1 into lambda upon 2A. So this is how we are going to write 2n plus 1. Into lambda upon 2a. So this is the position of first secondary maxima. And what is that? When n is equal to 1, so theta 1 dash is equal to 2n. N is 1, so 2 plus 1, 3 lambda by 2a. This is 3 lambda by 2a. And what is the position of this one? First, dark diffraction pattern. So this position is we have already. Theta n equal to what is that n lambda upon a so this is lambda by n value 1 is n value 1 when n is 1 theta 1 this is for dark and this is for bright pattern we got so this is position of first dark
और फर्स्ट मिनिमा दिस इज फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा दिस इज कॉल्ड फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा दिस इज फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा एंड नाउ वी कैन से दिस वे और डिक्रीज होगा बच्चों क्यों और ये वेट भी कम हो जाएगा क्यों डिक्रीज हो रहा है क्योंकि अब जो होगा वो केवल 1/5 पार्ट ऑफ द स्लिट की वजह से यहां पर लाइट रे आएगा बाकी जो है 5 पार्ट में 4 पार्ट जो है वो डिसकंस्ट्रक्टिवली एडेड होगा और उसकी वजह से इंटेंसिटी जीरो हो जाएगा सो दिस इज द सेकेंडरी मैक्सिमा सो इसका जो पोजिशन होगा बच्चों दिस पोजिशन विल बी फॉर एन इक्वल टू 2 सो 2 to 4 + 1 = 5 लैम्डा बाई 2a सो दिस इज 5 लैम्डा बाई 2a एंड ग्रेजुअली इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग अगला और कम होगा दिस इज 7 लैम्डा बाई 2a एंड लाइकवाइज बच्चों जब n की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो हमें इस तरफ मिलेगा पैटर्न और n की नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो सेंट्रल जो पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड में भी हमें इस तरह से पैटर्न मिलेगा और सिमेट्रिकल बनाना है बच्चों जितना विड्थ इसका उतना ही इसका भी विड्थ बनेगा सो दिस इज माइनस लैम्डा बाय ए एंड दिस इज माइनस 3 लैम्डा बाय 2a हरी बात समझ में एंड देन दिस वे इट विल गो ये यहां से इस तरह से और फिर इस तरह से इसको और अच्छे से बना सकते हैं हम लोग ठीक है सो ये यहां पर ये इस तरह से आएगा बच्चों एंड दिस वे और ये यहां पर ऐसे ये ऐसे ये इस तरह से जाएगा एंड इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग आगे बढ़ाने की जरूरत अगर आपको है यू कैन मेक दिस n की वैल्यू 2 लेंगे सो दिस इज -2 लैम्डा बाय a दिस इज -3 लैम्डा बाय a और ये इसके लेफ्ट साइड में सेकेंडरी मैक्सिमा होगा दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकेंड एंड दिस वन इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमम दिस इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमम और यह जो पोजीशन होगा बच्चों -3 लैम्डा बाय 2a दिस इज -5 लैम्डा बाय 2a एंड सो ऑन -5 के बाद -7 लैम्डा बाय 2a सो दिस इज हाउ We understand. Yes or no? So I hope you understood this plot of intensity versus diffraction angle theta. So, बच्चों, this is very easy. और ये जो width है, बच्चों, ये जो width है, इस पर भी अभी बहुत सारे results हम लोग discuss करेंगे. This is called central maxima. ये इसका peak है और ये इसका width है. तो कई सारे questions जो हम लोग discuss करेंगे, आप इसको अच्छे से note कर लीजिए. और अगर आपको कोई भी query है, you may ask me. So, यहाँ पर जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे और इससे बेस्ड जो रिजल्ट है उसको करेंगे अगले वीडियो में रिजल्ट बेस्ड ऑन इंटेंसिटी एंड डिफ्रैक्शन एंगल रिजल्ट बेस्ड ऑन इंटेंसिटी एंड डिफ्रैक्शन एंगल इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे बच्चों बट एट दिस स्टेज आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि आप पहले इस वीडियो को अच्छे से वॉच करिए अपने कॉपी में इस नोट्स को लिखिए और अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई कोई दिक्कत है कुछ क्वेरी है यू मे डायरेक्टली आस्क मी सो आई होप कि ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा अगर बच्चों एक बार में आपको समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को वापस देखिए 2 बार 3 बार 4 बार देखिए वीडियो को आपको जरूर समझ में आएगा द वे आई एम रिप्रेजेंटिंग द कॉन्टेंट That is definitely going to help you and I will keep on uploading quality videos. So my request to all of you, please go through the video, watch the video, learn the concept, write the notes and definitely try previous year questions from this section definitely. After completion of this theory part, I will take several questions based on all the concepts and we will boost up our concept so that we can score good marks. So in this video, this much only. अगले वीडियो में मिलते हैं बच्चों ठीक है थैंक यू